मैं जा रहा हूँ आज पातल गांव, वहाँ पे पूजा है। तो आज साल का आखिरी दिन भी है, तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। हेलो दोस्तों, के हालचाल आप सभी की। होप कि आप सबके सब एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, एकदम झकास। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत के साथ साथ नए व्लॉग की शुरुआत। तो आज व्लॉग शूट हो रहा है दोपहर में, दिन में ऐसा ही नहाना धोना, और आज हम जा रहे हैं पातल गांव, और साल का मेरा आखिरी व्लॉग भी है। इसके बाद ही आपको 2023 के व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो इस साल का ये आखिरी व्लॉग है और आखिरी दिन भी है। चलते हैं एंड व्लॉग की शुरुआत करते हैं। एम सुरेन भी स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में, मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम है मरोड़ा, जो कि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल थैलीसैन ब्लॉक में पड़ता है। मैं जा रहा हूँ आज पातल गांव, वहाँ पे पूजा है विंध्येश्वर महादेव की। तो वहाँ पे बैल को चढ़ाया जाता है, पत्थर का बैल बनाया हुआ होता है, उसे चढ़ाते हैं। तो आगे व्लॉग में आपको ये सब देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ पातल गांव, मेरे भतीजे भी जा रहे हैं और मम्मी भी जा रही है। रोड में गाड़ी आ रखी है, और गाड़ी लेके पता कौन आ रखा है, नवीन भाई आ रखा है। तो उनको छोड़ने के लिए चलते हैं पातल गांव, और थोड़ा आपको वहाँ दिखाते हैं, वहाँ पूजा दिखाते हैं आपको, और पातल गांव भी दिखाते हैं। पातल गांव ना हमारा पड़ोस का गांव है, मतलब पड़ोस का गांव तो क्या ही है, मेरे गांव से कोई भी गांव नहीं दिखता है। लेकिन जब हम ब्यासी साइड चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सारे गांव हमारे पड़ोसी ही हैं। ये लो जी, महापुरुष पहुँच चुके हैं। दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कत ही दिक्कत। क्या दिक्कत हुई? दिक्कत हो रही है यार, गाड़ी में दिक्कत हो रही है भाई। अच्छा, गाड़ी में दिक्कत है, तुम्हें तो नहीं है ना? हमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये सामने पे मेरा गांव दिखाई दे रहा है। तो आज साल का आखिरी दिन भी है, तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। कल बोलेंगे? नहीं, कल बोलेंगे, हम एडवांस में आज ही बोलेंगे, क्योंकि ये व्लॉग आपको न्यू ईयर के दिन पे देखने को मिलेगा। तो अगर हम न्यू ईयर के दिन पे बोलेंगे तो 2 जनवरी को हम उस व्लॉग को डालेंगे, तो सही नहीं होगा। तो एडवांस में बोल देंगे, तो आपको न्यू ईयर के दिन पे ये व्लॉग देखने को मिल जाएगा। तो चले, दिक्कत हुई होगी, कंकड़ पत्थर है ना रोड में बहुत ज़्यादा। गाँव कैसा? गाँव पातल गांव में, और मैं वेट कर रहा हूँ कब शाम होगी। फिर मैं और नवीन भाई शाम को जाएंगे, अभी वेट करते हैं कब तक शाम होती है, कब तक धूप निकलती है। तो मैंने बताया था आपको वहाँ पे विंध्येश्वर महादेव की पूजा हो रही है, तो बैल चढ़ाते हैं, पत्थर का बैल होता है, और उसे मंदिर में चढ़ाते हैं कुछ ऐसा ऐसा करके। मेन परसों हैं और आज मेहमान हैं, कल न्योत्योहर हैं। जैसे कि न्योत्योहर का मतलब, जैसे आपने हमें देखा होगा हमारे गांव वालों को, हम कैन्यूर में कैसे गए थे गाजे बाजे लेकर, तो सेम वैसे न्योत्योहर होते हैं। तो पातल गांव इस साइड को है, और ये इलाका है ब्यासी का। तो ये देखो भाई, ऐसा दिख रहा है, और यहाँ ऊपर पर ना घराट है, और हमारे गाँव की रोड ना इस साइड से है ऊपर से। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 7:30, और हम पहुंच चुके हैं पातल गांव में। बाकी आपको ये पीछे आसपास के गांव दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मेरे पीछे आपको घुरी गांव दिखाई दे रहा है, और इस साइड को आपको ब्यासी गांव दिखाई दे रहा है, और यहां है बगवाड़ी गांव। तो ये ऊपर पे आपको पातल गांव दिखाई दे रहा है, और अपने साथ है नवीन भाई। जब हम यहाँ दिन में आ रहे थे ना, तो मेरी कनपट्टी खो गई थी, हमारे गाँव में खोई थी, मैं रोड में आया था वहाँ पे नहीं थी। नवीन भाई ने व्लॉग बनाया था, तो मैंने उसमें देखा, तो मेरी कनपट्टी जेब में नहीं थी। तो अगर हमारे गांव वालों को किसी को मिली तो प्लीज़ यार लौटा देना, वो मेरी कहीं की निशानी है। वो कहाँ की निशानी है अगर मिल जाएगी तो मैं बता भी दूंगा कि वो कहाँ की निशानी है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं पातल गाँव में, और अब यहाँ से चलते हैं ऊपर। वो कैन्यूर गाँव दिखाई दे रहा है, जहाँ की वीडियो आपने पहले देखी होगी 2-4 दिन पहले। ये सामने पे है बनड़ियो, और ये है रौली गांव। बाकी ये सामने पे बगवाड़ी गांव दिखाई दे रहा है। ये लो जी, भाई साहब आगे से निकल पड़े भाई। ये कहाँ के प्राणी है भाई, ये कौन है? तो यहाँ पे ना मुकेश मिला था, इसको बोला था मेरी कनपट्टी मिली, तो ये क्या बोले पता नहीं किसने उठाई होगी। तो दोस्तों, अभी अपना खाना पीना हो चुका है, और हम यहाँ चूल्हे पे आग सेक रहे हैं, और इसके बाद हम नीचे जाएंगे पंचेरी चौक में, और वहाँ पे आपको कौथिक दिखाएंगे, जो कौथिक होता ही है हमारे पहाड़ों में, रात के टाइम पे देवता नाचते हैं। तो कुछ टाइम बाद हम नीचे जाने वाले हैं। हम यहाँ पे सेक रहे हैं अभी आग, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है भाई। और इस साइड को किचन है, देखो यहाँ पे खाना बन रहा है, और लोग यहाँ से खा रहे हैं, कोई नीचे खा रहा है, तो यहाँ आगे पे खाना बन रहा है। इसको बारी बोलते हैं, और इसमें बर्तन धोने के लिए पानी गर्म हो रहा है।
तो अभी ना हम नीचे जा रहे हैं, गांव की तरफ जा रहे हैं हम, जहाँ पे कि मंडाण होगा रात भर, जहाँ पे देवता नाचते हैं। और मेरे साथ जा रहे हैं नवीन भाई, हम दोनों के दोनों ब्यासी से भी साथ आए थे, और अब नीचे जाएंगे, उसके बाद ही हम ब्यासी जाएंगे। शायद से मैं घर भी जा सकता हूँ, क्या पता यहीं भी रह सकते हैं, क्या पता हम ब्यासी भी रह सकते हैं। तो चलो अभी नीचे चलते हैं, आपको माइक की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो बहुत ख़तरनाक ठंड लग रही है, ठंड की तो बात ही मत करो भाई, मुँह से ऐसा भाप उठ रहा है ना ऐसा। ये क्या था भाई, ये क्या था, ये क्या है भाई? मारे बड़े भाई एस जी पहाड़ी, बड़े भाई तुमसे छोटा भाई। ये कुछ लोग दारू पी के ऐसा कर रहे हैं। अभी पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे देवता नाच रहे हैं। यहाँ पे मंडाण होगा और रात भर मंडाण होगा। तो ये है यहाँ का पंचेरी चौक, इस साइड को देख सकते हो आप, इस साइड को मंडाण हो रहा है, यहाँ पे देवता नाच रहे हैं। तो अभी चलते हैं आगे, और हमें जूते उतार के जाना पड़ेगा। जो जूते वाले होते हैं ना वो देवता से पिटते हैं भाई, बहुत ही खतरनाक पिटते हैं, कूदते हैं बहुत मारते हैं वो। Thank you.
तो अभी टाइम 12 हो रहा है और यहाँ पे ना बीच बीच में घपला भी हो रहा है यार, नौमत लड़ाई तक आ जा रही है। अभी भी वहाँ पे मैटर सुलझा नहीं है, बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ के हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लड़ाई हो रही है भाई, बहुत ही खतरनाक हो रही है, घपला ही चल रहा है। अब मैं दिखा भी नहीं सकता यार, क्योंकि गलत चीज़ है ना लड़ाई लुड़ी ही दिखाना। किसने अवतार है 1600 राज्य के भी वो खर्चा है विद्रवन में चूचा अला तुर्क राशो खिलायो खिलायो। दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो आज से 2030 लग चुका है और हमारे के 82 गांव नवीन भाई के घर पे कल मैं यहाँ से घर चले जाऊंगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो अपनी व्हाट्सएप फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नए अगले व्लॉग में। तो ये 2022 का लास्ट व्लॉग था और 23 में पहुँच चुका है, मतलब आज से 2023 लग चुका है। अभी टाइम 12 हो रहा है रात का, तो
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।